बिजनेस है। जो लोग बड़े बड़े बिग शॉट थे उनके बारे में जानना चाहोगे? आप कहते हैं ना कि आप सकते में आ जाओगे, आपको जानकर आश्चर्य हो गया। एक वर्ल्ड बिलियनियर इंडेक्स है जहां दुनिया के 500 बिलियनियर्स उस इंडेक्स में होते हैं पूरे दुनिया के, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन 500 जो रिचेस्ट बिलियनियर हैं, राइट, इस कोरोना की जो मार थी $1 ट्रिलियन दे लॉस्ट इन वन डे। $1 ट्रिलियन, बिलियन नहीं, ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर दे लॉस्ट इन वन डे। जाए गूगल पे चेक कर लो, ट्रिलियन का मतलब कितना होता है, बिलियन का मतलब कितना होता है, मिलियन मतलब 10 लाख, राइट? मतलब एक 10 करोड़, जी ट्रिलियन हाँ, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए उड़ गया। एक लाख करोड़। कितने दिन में? 24 घंटे में, क्योंकि मार्केट क्रैश, शेयर मार्केट तड़ाप। मैं अमेजोन, मैं इसका देख, अरे अमेजोन का अलीबाबा 8.9 बिलियन ही लॉस्ट इन वन डे, 48 करोड़ रुपए, 48,000 करोड़ रुपए एक दिन में एक उड़ दिन गया। तुम्हारा कितना गया बताओ? फिर भी रो रहे हो, फिर सराय भी रो रहे हो, राइट एंड रॉन्ग? बिल्कुल भी भाई साहब। 1 ट्रिलियन दे लॉस्ट इन वन डे। और आप जो वर्ल्ड के 5 बिलियन तक ना, 3.3 बिलियन और ओवर 9.5 बिलियन उनका और नुकसान होगा। ये कोरोना का लॉकडाउन खुलेगा ना, ये धीरे 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 घुस घुस रहा है उनका, तकरीबन 950 बिलियन उनका सब 500 का मिलाकर इस दिसंबर तक उड़ जाएगा। और इसीलिए मुकेश अंबानी कहां आ गए थे दुनिया में, पता है ना, 14वीं पोजीशन पे। ये तो मार्क जुकरबर्ग का धन्यवाद करो कि उसने 48,000 करोड़ में उनका 9.9% जियो का शेयर खरीद लिया, वो फिर से अपनी जगह पे आ गए। यानी आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए मेरी मेरी नेटवर्थ, अगर आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ है एग्जाम्पल तौर पे, एग्जाम्पल तौर पे, राइट, तो दुनिया के जितने बिलीनियर्स की जो नेटवर्थ थी, चाहे वो 1 लाख करोड़ हो या 2 लाख करोड़ हो, 16% उनका पैसा उड़ गया। 16%, 100 करोड़ है तो 16 करोड़ उड़ गया, अगर 1 लाख करोड़ है तो समझ में आ रहा है, 16,000 करोड़ रुपए बिना भैया पैदा किया चीन ने, फैलाया किसी और ने, वो बेचारा अमेरिका जापान रशिया में बैठा हुआ है, उसका 16% प्रॉपर्टी उड़ गई, शेयर की वैल्यू डाउन हो गई, राइट? मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि वी आर इन टू सेफेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, और आपके जितने बड़े बिजनेसमैन व्यापारी हैं उनको यही बात समझानी है आज के दिन। व्हाट इज द पोटेंशियल एंड पावर ऑफ दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट? आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो लोग बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं ना, 80% इन्वेंट्री जो तैयार है ना, उसकी कोई डिमांड नहीं है। किसी फैक्ट्री में 1 लाख टन माल बना हुआ है तो 80,000 टन की डिमांड ही नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है? बिल्कुल सर, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा सही कह लोग रहे सर। गाड़ी भर भर के सुबह जा रहे हैं लेके आ रहे हैं। आप सोचो कि हम कितने भाग्यशाली हैं, दुनिया रो रही है, हमारा दुकान आज भी चालू है, बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट? सर, राइट सर। एविएशन को कितना बड़ा लॉस, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी, जो जो एविएशन इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आईटा, उसका 113 बिलियन लॉस हुआ है। 1 बिलियन का मतलब कितना होता है पता है आपको? 7,000 करोड़। 113 बिलियन का मतलब 10 लाख करोड़ सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री का घुस गया। आपने सुना उसके पहले, ये प्लेन आज ग्राउंड पे हो गई है, ये प्लेन ग्राउंड, मैं आपको ओवरऑल कैलकुलेटी, आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आपको, राइट? आज की हालत इतनी खराब हो गई है, महिंद्रा का मैं अभी टीवी पे देख रहा था एड,
खरीदो 2020 में, पे करना 2021 में, पता चला आपको नहीं? महिंद्रा नया एड निकाला है, 2020 में खरीदो देना 2021 में। कभी ऐसा स्कीम सुना क्या आप? कभी नहीं सुना था आपने? अरेगा, इसके लिए बेचना चाह रहे हैं, पीपुल वॉन्ट टू सेल, राइट? हमारे साथ ऐसा हो रहा है क्या? खरीदो 2020 में, पैदा करो और देना 2021 में। आप और हम, मैं जितनी बार कह रहा हूं, हर हफ्ते मिल रहा है, हर हफ्ते मिल रहा है, हर हफ्ते आ रहा है। अरे राजेश से पूछो, सीलिंग पे सीलिंग मेंटेन है, टकाटक मेरी सीलिंग मेंटेन है, कितने लीडर्स की सीलिंग मेंटेन है, इनकम मेंटेन है। अरे यार क्या हुआ, 1 लाख से 50,000 पे आ गए, 20,000, अरे बर्बाद तो नहीं हो गए इनकी तरह? सही बात है। सालों का जो आपने एजुकेशन लिया, सर्टिफिकेट बनाया, धक्के खाए, नौकरी ली, 15 साल ऑर्गेनाइजेशन को दिया, उसने बोला सलाम नमस्ते, आज से हम आपके हैं कौन? हमारी मैनेजमेंट ने आपके अपलाइन ने ऐसा नहीं ना कहा कि हम आपके हैं कौन? सर साथ दिया ऐसे बुरे वक्त में, बुरी अच्छी तरह। सर यही तो कह रहे हैं कि दिस इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है, विश्व में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है आज के दिन पूरे विश्व में। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सबसे बड़ा क्राइसिस अभी आने वाला क्या पता है आपको? लेबर क्राइसिस। आज तकरीबन जो है, जितनी भी प्रोडक्शन फैक्ट्री थी वो कर्जे में तो चली गई, अब वर्कर भी भाग गए, सब गांव चले गए, श्रमिक ट्रेन, श्रमिक गवर्नमेंट क्यों नहीं भेज रही थी उसको पता है, क्योंकि एक आम आदमी को समझ में नहीं आता। देखिए हम लोग क्या है कि वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम सिचुएशन, राइट? क्योंकि अगर आपको करंट सिनेरियो की इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना, आप कभी अपना फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाओगे उस सिनेरियो के अंदर। व्हाई वी आर डूइंग सुपर्ब, क्योंकि वी हैव ऑल नॉलेज अबाउट द एंटायर सिचुएशन, एंटायर इंडिया, व्हाट इज गोइंग इन इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल, राइट? कैसे इसका एडवांटेज लेना, इसलिए डिसएडवांटेज पता होना बहुत जरूरी है, राइट? आज के दिन जितने भी लोग हैं, जो फैक्ट्रियों में 100 लोग थे, 1,000 लोग थे, लेबर भाग गए, अब क्या लगता है 4 महीना 6 महीना पहले गांव से आएगा क्या? नहीं आएगा। मालिक जाके मशीन चलाएगा, प्रोडक्शन करेगा। ह्यूज क्राइसिस, ह्यूज, हिल जाएंगे लोग। अभी तो कोरोना खत्म होने इंतजार कर रहे हैं, अगले 6 महीने में देखना क्या भयावह स्थिति होती है इस देश की बिजनेस हाउसेस की, राइट? कितनी बुरी हाल, कितनी बुरी कंडीशन इस देश के अंदर है। आज 80% इन्वेंट्री नहीं बिक रही है, और क्या प्रोडक्शन करेगा आपको जानकर आश्चर्य होगा। क्रूड ऑयल, जिससे वर्ल्ड की इकोनॉमी चलती है, क्रूड ऑयल अपने 20 साल पुराने लेवल पे आ चुका है। मैं उसका डेटा देख रहा था, मेरे पास पूरा उसका डेटा पड़ा हुआ है, मैं इंडेक्स में भी कुछ काम करता हूं। क्रूड ऑयल आज तकरीबन 2001 में 20 बैरल प्रति डॉलर था, अभी क्या हो गया पता है आपको? अरे $20 से भी नीचे घुस गया है, $30 से $154 तक गया था, अभी वो माइनस में चला गया है। रशिया, जो तेल प्रोडक्शन कंपनी है, इराक, वेनेजुएला, जो बड़ी कंपनियां हैं, दुबई, ये सारे के सारे लोग अपने तेल को जलाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतना प्रोडक्शन हो गया, डिमांड है ही नहीं, गाड़ी चल नहीं रही है, कुछ चल फ्लाइट उड़ने रही है, और 6 महीना उनकी डिमांड भी उतनी होनी नहीं है। अब उनके पास उनके कंटेनर फटने वाले हैं, कहीं कोई जगह नहीं। जो तेल प्रोडक्शन कर रहे हैं वो खपत भी तो होनी चाहिए, खाली स्टॉक भर रहा है। अब उनका पाइप लीकेज, तो सारी कंट्रियां, बड़ी कंट्रियां मिलकर उसको जलाने की प्लानिंग कर रही है। तेल जो काला सोना, जो सोना माना जाता है, जिसके दुबई की इकोनॉमी टिकी, दुबई की इकोनॉमी हिल गई है। तो आप ये सोच लीजिए कि ऐसा रहा पूरे दुनिया के अंदर तो क्या होगा। अब इतने सारे सेक्टर में अगर बिजनेस अगर डाउन होगा, तो आप ये समझ लीजिए कुछ गिनी चुनी कंपनियों को छोड़कर सारी जितनी कंपनियां हैं, राइट, उसमें बहुत बुरी हालत आनी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा,
अभी मैं उबर उबर ने